Hello, a lovely good evening from here in Delhi, and hope that each one of you, as always, are absolutely fine, isn't it? So now in this particular series of accounting standard, especially Indian accounting standard, now we are going to pick up what we call Ind AS 16, quite simple, not very tough one, and virtually similar to the accounting standard AS 10, which you have already done. Correct? So nothing new, hardly there is any difference. So what exactly Ind AS 16 is all about? It is virtually the ditto copy of accounting standard AS 10. I'm talking in the context of what we call Indian GAAPs. So we will see that all the issues which you have already gone through under AS 10 have been actually virtually relayed now in Ind AS 16. So there is hardly any difference. So our methodology to do this particular standard will be slightly different than the ones so far which we have done so far. So how we would be different, that we are going to see just in a short while. तो बेटी, जैसा कि मैंने कहा, पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से. मैंने अभी आपसे कुछ लम्हा पहले क्या कहा, मैंने कहा कि पहले तो हम इस सेशन में इंड एएस 16 करेंगे, लेकिन मैंने एक बात कुछ लम्हा पहले कही कि मैंने कहा कि इस स्टैंडर्ड को जब हम करेंगे तो हमारी मेथोडोलॉजी थोड़ा सा अलग किस्म की होगी. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो इंड एएस 16 है, ये वर्चुअली इंडियन गैप, जस्ट एक मिनट में लिख लूं, इंडियन गैप, जो इससे पहले आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करे हुए. जब मैं इंडियन गैप कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं. उसमें आपने AS 10 करा है, उसका भी ताल्लुक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से है, और इंड AS 16 का ताल्लुक भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से है. हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे स्टैंडर्ड हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब मैं से स्टैंडर्ड बोलूं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है, बहुत से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं, चाहे वो 16 हो या 17 हो, चाहे वो तकरीबन 8 हो या 10 हो, उनकी काफी सिमिलरिटी है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट वी कॉल इंडियन गैप से. और ये जो स्टैंडर्ड है, ये तो बिल्कुल इसकी डिटो कॉपी है. इसका मतलब है कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, तो आपको, अगर मैं ऑनेस्टली कहूं, तो इंड AS 16 करने की भी जरूरत नहीं है. जितनी भी केस स्टडीज हमने AS 16 में करी है, तकरीबन क्या, हार्डली एक या दो को छोड़ करके हमने सारी यही केस स्टडीज इंड AS 16 में भी रखी है. आपकी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में केस स्टडी कर ली है, तो आपको अलग से दोबारा से केस स्टडी करने की जरूरत नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वही केस स्टडी इंड AS 16 के एंगल से भी पूछी जा सकती है, AS 10 के हिसाब से भी पूछी जा सकती है, दोनों का आंसर भी एब्सोल्युटली सेम होगा. तो इसलिए हम जब इंड AS 16 करेंगे तो बेसिकली हम इसको ब्रीफली करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, और इसमें हम अलग से केस स्टडीज नहीं करेंगे, जो कि नॉर्मली तुमने देखा हम बहुत सारी केस स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने कहा जो AS 10 आपने करा हुआ है वही केस स्टडीज जो है इंड AS 16 के कॉन्टेस्ट में भी यूज होंगी. इनफैक्ट आपके पास जो मटेरियल है हमारे, या जिनके पास मेरी बुक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, जो कि भरतला हाउस ने प्रोड्यूस करी है, तो अगर आप देखेंगे कि सेम केस स्टडीज हमने जो है इंड AS 16 में भी रखी है, बस हमने इंड AS 16 में ये लिख दिया है कि सॉल्व दिस इन द लाइट ऑफ इंड AS 16. अगर वो AS 10 में रखी है तो हमने उसमें लिख दिया है कि सॉल्व इट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ AS 10. इसका मतलब वही केस स्टडीज है. तो इसलिए मैंने कहा कि इस स्टैंडर्ड को जब हम करेंगे तो थोड़ी सी हमारी मेथोडोलॉजी अलग होगी, क्योंकि बेसिकली एक तरीके से ये रिकैप हो रहा है AS 10 का. इसमें कुछ भी नया नहीं है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, आप खुद महसूस करेंगे. और मुझे तो लगता है जैसे ही आप पहली क्लास लेंगे, आप सोचेंगे छोड़ो हमने बाकी क्लासेस क्या लेनी है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड हमें पहले से ही मालूम है. तो ये बताना मेरे लिए लाजमी था, ठीक है? तो इसका मतलब हम इसमें अलग से कोई केस स्टडी नहीं करेंगे. अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ेगा कोई पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए तो मैं करूंगा, नहीं तो इसमें इस तरीके से हम दूसरे जो हमने स्टैंडर्ड करे हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा अलग होंगे. करेक्ट? ये मैंने शुरुआत में कहा था. तो इंड AS 16 मैंने टॉपिक तो लिख ही दिया है, चलो फिर अब आगे क्या लिखे दोबारा से, तो लिखना शुरू कर दे बस. अब आप इसमें ये रिकैप चल रहा है, डील्स विद
इंडिया 16 की बात चल रही है, डील्स विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अब मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया, यह आपको टर्म अच्छी तरह से आती है, करेक्ट। मैंने कहा सिर्फ रीकैप चल रहा है, इसमें और कुछ है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिस्क्राइब, वही ऑब्जेक्टिव है जो हमने AS 10 में करा था, टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग, टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करेक्ट। तो मेन इश्यूज इसमें क्या है? प्रिंसिपल इश्यूज। मैंने कहा हम शॉर्ट में करेंगे, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल वही आप सर पढ़ा रहे हैं जो हमने AS 10 में पढ़ा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रिंसिपल इश्यूज, प्रिंसिपल इश्यूज एड्रेस्ड, ये मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है, इश्यूज एड्रेस्ड आर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसेट्स। जब हम कोई खर्चा करते हैं तो उसको एसेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज करें या नहीं करें और कैसे करें। डिटरमाइनिंग देयर कैरिंग अमाउंट, उनका कैरिंग अमाउंट कितना डिटरमिन होगा और कैसे होगा। डेप्रिशिएशन चार्जेस, इस स्टैंडर्ड में हम डेप्रिशिएशन चार्जेस की बात भी करेंगे। जब मैं इसको बोलूं तो इसका मतलब मैं दोनों को ही रेफर कर रहा हूं, इंडिया 16 को भी और AS 10 को भी, क्योंकि दोनों में बिल्कुल सेम बातें हैं। मैंने कहा ना इसलिए डिटो कॉपी है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, करेक्ट। डेप्रिशिएशन चार्जेस मैंने लिखाया, और अगर मैं नहीं कराऊं तो फिर बच्चे सोचेंगे कि हमने इंडिया 16 कराई नहीं या सर कराना भूल गए, तो ऐसा नहीं है, इसलिए हमें कराना पड़ता है। एन इम्पेयरमेंट लॉसेस, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया इम्पेयरमेंट लॉसेस। ये सब इश्यूज हमने, ये सब चीजें हमने तब भी लिखी थी जब हमने AS 10 करा था, अब हम इंडिया 16 कर रहे हैं, सेम चीजें हैं, कोई भी इसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं है। पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेबिलिटी, वही चीजें हैं जो हमने उसमें करी थी, करेक्ट। एप्लीकेबिलिटी, तो ये स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट व्हेन अनदर स्टैंडर्ड, सेम वर्डिंग हमने वहां भी लिखी थी, when another standard requires a different treatment, requires or permits, ये भी लिख लो, उसकी परमिशन भी होनी चाहिए ना, permits a different accounting treatment। वैसे तो ये सभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर अप्लाई करेगा, लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर अप्लाई नहीं करेगा जहां पर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा, जैसे कि लीजेस हैं, वहां फिर जैसे कोई स्टैंडर्ड, कोई एसेट है मेरे पास जो कि मैंने लीज पर दिया हुआ है, लिया हुआ है, तो वहां पर AS 17 आ सकता है, AS 17 आ सकता है, परमिट्स ए डिफरेंट ट्रीटमेंट। उसके बाद लिखे नॉट एप्लीकेबल, ये तो मैंने एप्लीकेबल बताया, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो ऐसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको हमने सेल, हेल्ड फॉर सेल यानी कि सेल करने के लिए हमने इसको अपने पास रखा हुआ है, अगर उसका क्लासिफिकेशन हो चुका है तो
ये वाली प्रॉपर्टी प्लांट इन इक्विपमेंट तब इंड एस 16 या एएस 16 के दायरे में नहीं, एएस 10 के दायरे में नहीं आएगी, करेक्ट, क्योंकि तब ये किसके दायरे में आएगी, दैट इज एएस 105 के दायरे में आएगी, इंड एएस, कई बार अब याद नहीं रहता एएस लिखना है या इंड एएस लिखना है, इंड एएस 105, करेक्ट। हम बाद में देखेंगे, एक इंड एएस ही है जिसका कि ताल्लुक ही है नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर व्हाट वी कॉल सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो उसके तहत ये आएगी। उसके बाद प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या डेवलपमेंट है फॉर यूज इन फ्यूचर, और हम उसका यूज फ्यूचर में करेंगे, फॉर यूज इन फ्यूचर, तो उस पर भी इंड एएस 16 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हम बाद में देखेंगे, ये आएगी आपकी इंड एएस 40 के अंतर्गत, जिसका कि ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से है, इंड एएस 40 इस पे कवर होगा या ये इंड एएस 40 के तहत कवर होगी, करेक्ट। लिख लिया, लिखना थोड़ा फास्ट पड़ेगा, फास्ट फास्ट लिखोगे तो ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने, मैंने भी कहा कि हमने बहुत ज्यादा इसमें केस स्टडी नहीं करनी है, दो मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद आप लिखे बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स इसकी बहुत गहरी चर्चा हमने एएस 10 में करी थी, तो आप एएस 10 पढ़ ले तो इसका मतलब आपने इंड एएस 16 कर लिया। इज इट क्लियर टू यू? बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन बियरर प्लांट के बारे में कोई पूछे ना, क्योंकि इतनी गहरी और डीप चर्चा हमने करी है इसकी एएस 10 में, तो जितने भी बायोलॉजिकल एसेट्स हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन बियरर प्लांट्स पर ये अप्लाई होगा, जैसा कि मैंने बताया, करेक्ट। और इस पर जो अप्लाई होता है बायोलॉजिकल एसेट्स पे, जो अप्लाई होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो है 41। फिर आप लिखें और किस पर अप्लाई नहीं होगा, रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ Recognition and measurement of expenditure, expenditure on, क्या लिखा है मैंने, recognition and measurement of expenditure on exploration and evaluation activities, क्योंकि ये जो कवर होता है इंड एएस 106 से होता है। एक और लिख लो, नॉन एप्लीकेबिलिटी है इसकी मिनरल राइट्स, थोड़ा सा बोरिंग स्टैंडर्ड है, क्या कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं एएस 10 के रूप में, मिनरल राइट्स एंड मिनरल रिजर्व्स। मेरा ख्याल है अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला स्टैंडर्ड तो हमने करा ही हुआ है, मिनरल रिजर्व्स सच एज ऑयल,
नेचुरल गैस, इजंट इट, आपको याद आ गया होगा. एंड सिमिलर नॉन रीजेनरेटिव, नॉन रीजेनरेटिव रिसोर्सेस. अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे, नहीं तो मैंने कहा ये बिल्कुल AS16 है, ऑलमोस्ट उसकी, सॉरी मेरे मुंह से AS60 निकल रहा है, AS10 है, बिल्कुल AS10 की डिटो कॉपी है IND AS16. एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाउएवर दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन या यूज्ड टू डेवलप और मेंटेन द बायोलॉजिकल एसेट्स related to agricultural activities or in exploration और इवैल्यूएशन एसेट सिक्लो एक्टिविटीज की बजाय बात एक ही है. एंड ऑल्सो इन मिनरल राइट्स अभी हाल ही में इसके बारे में एक इंटरप्रिटेशन भी आया, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा. इसमें मैंने कहा भाई एक आध इश्यू पे मेरे को मेन चर्चा करनी है जो हमने AS10 में कवर नहीं करी, अदरवाइज पूरा स्टैंडर्ड वही है. जैसा कि अब आपको एहसास हो गया होगा कि इस तरह की वर्डिंग्स और ये सब तो हम सर पहले भी लिख चुके हैं. एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये जो मैंने लास्ट पैराग्राफ लिखाया, मैंने ये लिखाया कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सिंपल वर्ड्स में इस्तेमाल होती है बायोलॉजिकल एसेट्स के संदर्भ में या क्या बोलते हैं एक्सप्लोरेशन और इवेल्युएशन के लिए या मिनरल राइट्स के लिए, तो वो जो है इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत आएगी. करेक्ट. तो ये तो नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैंने तुम्हें बताया. उसके बाद कितने, चार पॉइंट हमने देखे हैं. उसके बाद अब आप देखें पांचों पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सब कुछ आप लेकिन देख चुके हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है. अब बार बार क्या लिखाऊं मैं, आर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चलो आर टेंजिबल आइटम्स डैट ए आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. ये सब चीजें मैंने पहले लिखाई हुई हैं, अब तो आपको यकीन आ गया होगा. एंड बल्कि पर्पस लिख दिया मैंने, ठीक है. एंड बी एक्सपेक्टेड, बताओ क्या लिखाने जा रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड टू यूज
ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, यानी कि 12 महीने से ज्यादा, मोर देन वन पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरा पीरियड। यही चीज हमने AS 10 में भी करी थी। मैंने कहा था ना, बस उसी का एक तरीके से रीकैप है, करेक्ट। बस आप जल्दी जल्दी लिखें, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें ब्रीफली इसका रिव्यू करना है और कुछ नहीं करना। आपको याद है कि आप रिकॉग्नाइज कैसे करते थे AS 10 में, किसी टेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कैसे करते थे? रिकॉग्नाइजेशन, ये मैंने सिक्स्थ स्टेप लिखा है। रिकॉग्नाइजेशन, तो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? रिकॉग्नाइजेशन, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, shall be recognized as an asset if and only if, sirf aur sirf, one, it is probable that future economic benefit, याद आ गया आपको, future economic benefits economic benefits associated associated with the item will flow to the entity। इससे पहले भी आप सेम रूल्स के हिसाब से रिकॉग्नाइजेशन करते थे। The cost of the item can be measured reliably ध्यान से देखा जाए तो यही प्रिंसिपल आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी करते थे। सेम रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल्स, सेम रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल for recognition of subsequent cost, for recognition of subsequent cost। याद आया आपको? नहीं। सपोज आपने कोई एसेट खरीदा, उस एसेट पे जितनी भी कॉस्ट लगी है उसको आप एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तुम्हें ये लगता है कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल हो जाएंगे और कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर लेंगे। उस एसेट को खरीदने के बाद बाद में आप कोई खर्चा और करते हैं तो उस खर्चे को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब ये दोनों चीजें सेटिस्फाई वो खर्चा करेगा। तो पॉइंट ये है, ठीक है? फास्ट लिखोगे तो तभी काम चलेगा ना, अगर मैं ही ऐसे ही लिखते रहा और तुम ऐसे ही लिखते रहे तो कैसे काम चलेगा? ये सब कुछ वही है, हमने अभी तक कुछ भी नया नहीं करा। मैंने कहा पूरा स्टैंडर्ड ही वही है, सेम चीज है। सेवंथ,
इनिशियल मेजरमेंट, आपको याद होगा AS10 जब आपने करा था उसमें हमने ये बताया था कि शुरुआती मेजरमेंट एट कॉस्ट पर होगी। ये मैंने बताया था मेजरमेंट इज एट कॉस्ट। चलो मैं शॉर्ट में लिखा दूं, इनिशियल मेजरमेंट इज एट कॉस्ट, ये मैंने तुम्हें बताया था। फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि कॉस्ट जो होती है वो क्या क्या कंप्राइज करती है। कॉस्ट कंप्राइजेस वही चीजें जो हमने AS10 में करी थी। आपको याद है हमने कॉस्ट के बारे में क्या लिखा था, परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जिसको तुम परचेज कॉस्ट बोलते हो। एक तो हो गई परचेज कॉस्ट, फिर एनी कॉस्ट्स डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन जहां पर उस एसेट को रखना है या लाना है, एंड कंडीशन। कंडीशन का मतलब उस कंडीशन में लाने के लिए जो कि आप चाहते हैं, आप मतलब मैनेजमेंट, कि हां भाई ये एसेट इस तरीके से तैयार होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा खर्चा विच इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड द कंडीशन नेसेसरी, वही चीज मैं लिखा रहा हूं जो अभी मैंने कहा, नेसेसरी फॉर इट, इट का मतलब एसेट, फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग। In a manner intended by management, जो word condition है उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। तो asset को लाने में और उस condition तक पहुंचाने में जो कि management चाहता है, जितने भी खर्चे लगेंगे वो भी cost का हिस्सा बनेंगे। Is it clear to you? चलो नेक्स्ट शीट लेनी पड़ेगी, थोड़ा फास्ट तो बेटे जाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड आपने करा हुआ है। मैंने कहा ना ये AS10 की डिटो कॉपी है, तो इसमें तो रुकने का मतलब ही नहीं होना चाहिए, तो सब आपने ऑलरेडी पहले भी लिखा हुआ है। अच्छा शीट तो पड़ी हुई थी, मैंने शीट क्यों ले ली, लिख लिया आपने। चलो दो लिखाई है कॉस्ट में, तीसरा भी लिखे, इनिशियल एस्टिमेट याद आया, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रेस्टोरेशन ऑफ साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड। आपको याद है इस तरह के खर्चे की हमने चर्चा करी थी। मैंने कहा था मैंने एक प्लांट इन मशीनरी खरीदी, मैंने उस प्लांट इन मशीनरी को यहां इंस्टॉल कर दिया, ये जगह किराए की है,
लैंडलॉर्ड ने मुझसे कहा, यही एग्जाम्पल मैंने उस वक्त लिखाया था जब मैंने AS10 कराया था, लैंडलॉर्ड ने कहा भाई जब 3 साल के बाद आप ये जगह छोड़ोगे तो मेरी साइट को उसी अवस्था में रख देना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आज के दिन कि 3 साल के बाद इस एसेट को हटाने में और इस स्थिति को, ये जो लोकेशन है इसको पुरानी अवस्था में लाने में, रेस्टोर करने में कितना खर्चा लगेगा। इनिशियल एस्टीमेट, शुरुआत में ही मुझे उसको एस्टीमेट करना पड़ेगा। तो जो भी वो एस्टिमेटेड खर्चा आएगा वैसे हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं। याद होगा आपको मैंने AS10 में कराया था, करेक्ट। तो वो जो खर्चा बनेगा वो भी एसेट की कॉस्ट में जुड़ता है। ये 3 मेन कॉस्ट होती है। इज इट क्लियर टू यू? आइए, कॉस्ट की जब चर्चा चल चुकी है तो यहां पर मैं एक पॉइंट और भी लिखा दूं। हालांकि ये तो जो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये इनिशियल कॉस्ट से लिखे हैं। आगे मैंने इसमें क्या लिखा, एक्सक्लूड, ये सब हम चीजें कर चुके हैं। एक्सक्लूड इंटरनल प्रॉफिट, इंटरनल प्रॉफिट फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने इसमें भी एग्जांपल लिखाया था कि जब हम कोई एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल लिखाया था कि भाई मैनेजमेंट ने एक एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट करा और मैनेजमेंट उसको इतने इतने पर दिखाना चाहता है, क्योंकि मैनेजमेंट का दावा है कि अगर हमने लेबर फोर्स बाहर से मंगाई होती तो हमारा खर्चा इतना होता। इस तरह का हमने एक एग्जाम्पल करा था। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि वैसे भी अकाउंट्स में हमारे लिए नॉशनल कॉस्ट की, जो हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, नॉशनल कॉस्ट के लिए कोई स्थान नहीं है। तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वही लगेगी, क्योंकि अगर मैं सोची हुई कॉस्ट पर एसेट को रिकग्नाइज करूंगा तो इसका मतलब है मैं अपने से ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूं और उसमें जो प्रॉफिट है उसको रिकग्नाइज कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम लिखते हैं कि इंटरनल प्रॉफिट फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट जो है हम उसको नहीं लेते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैंने एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट 5 लाख में बनाया और मैंने अपनी लेबर फोर्स का इस्तेमाल करा, अगर ये लेबर फोर्स मैं बाहर से लेता और टोटल खर्चा एसेट को बनाने का 7 लाख का आता, 7 लाख का आता, आया तो नहीं ना, और अगर मैं इसको 7 लाख पे दिखाऊंगा तो इसका मतलब 2 लाख का प्रॉफिट मैंने अपने से ही ट्रांजेक्शन करके कमा लिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इंटरनल प्रॉफिट्स को नहीं कंसीडर करा जाएगा, और वैसे भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड जो एसेट होते हैं उनको एक्चुअल कॉस्ट पर हम दिखाते हैं, इसका ये मतलब था। और ये इसके एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे करे हैं। मैंने इसलिए आपको कहा कि यहां पर मैं अब की बार केस स्टडी नहीं करूंगा, क्योंकि केस स्टडी वही है जो AS10 की हमने करी है, सेम चीज है, बस ये रिवाइज कर रहे। फिर मैंने एक पॉइंट ये लिखा है कि कंसीडर इंड AS 23 फॉर बोरोइंग कॉस्ट्स। अगर किसी एसेट को बनाने के लिए मैंने कोई लोन वगैरह रेज करा है तो उसका जो इंटरेस्ट है क्या वो एसेट के कॉस्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमें AS 23 का वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? बोरोइंग कॉस्ट। इसी तरीके से इंड AS 17 शुड बी कंसीडर्ड फॉर किस पर्पस के लिए, फॉर एसेट्स ऑन लीज, एसेट्स हेल्ड फॉर लीज। इससे पहले आपने AS 19 करा था, अब यहां पर आप एंड AS 17 करेंगे, दोनों का ताल्लुक लीजेस से है, यानी कि जो AS 19 हमने करा था और एंड AS 17 इंडेस की श्रृंखला में हम करेंगे, लेकिन हम देखेंगे दोनों सेम है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, एब्सोल्युटली सेम है। लेकिन फिर भी तो यहां पर जो पॉइंट मैंने बताया इंडेस 16 के अंतर्गत मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कोई एसेट लीज पे लिया हुआ है,
तो वैसे तो हम एसेट को जब रिकॉग्नाइज करते हैं उस पर कुल खर्चा कितना लगा है उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं इनिशियली। लेकिन अगर मैंने एसेट लीज पर लिया है तो यहां मैं इंड एस 16 को ना देख करके इंड एस 17 को देखूंगा और देखूंगा कि अगर मैंने लीज पर लिया है, और पता नहीं आपको याद है या नहीं, जब हम लीज पर लेते हैं खासतौर से फाइनेंस लीज पर लेते हैं तो मैंने लिया है तो मैं कौन बन गया, लेसी बन गया, तो मुझे मिनिमम, आपको याद होगा, प्रेजेंट वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट्स कंप्यूट करनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से एसेट का रिकॉग्नाइजेशन होगा, इसलिए यह सेंटेंस लिखाया गया है, करेक्ट। तो फिर लिखे आगे कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, अनदर एसेट आइदर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। बहुत सारी केस स्टडी हमने करी थी इस पॉइंट पर AS 10 में, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। आपने महसूस कर लिया होगा कि ये सब कुछ तो वही चीजें हैं जो हम कर चुके हैं। मॉनिटरी शेल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू जो एसेट मैंने एक्वायर करा है इन एक्सचेंज में। मैंने ये पेन किसी को दिया, करेक्ट, और ये वाला पेन ले लिया या कोई दूसरा एसेट ले लिया। अब मेरे पास ये एसेट आ गया, जो आया तो उसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको मैं कैसे मेजर करूंगा, मैं देखूंगा इसकी फेयर वैल्यू कितनी है जो एसेट मैंने एक्वायर करा। लेकिन अगर फेयर वैल्यू पता है तब तो कोई बात नहीं, मैं फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज कर लूंगा। लेकिन अगर फेयर वैल्यू नहीं पता है तब क्या होगा, हाउएवर इफ फेयर वैल्यू इज नॉट गिवन, हाउएवर इफ फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन कॉस्ट विल बी, देन कॉस्ट विल बी measured at then fair value of assets given up shall be the cost of asset acquired बात समझ में आई? जो एसेट आपने एक्वायर करा उसको किस वैल्यू पर पहचानेंगे? अगर तो उसकी फेयर वैल्यू गिवन है, ठीक है। गिवन नहीं है तो जो एसेट आपने गिव अप करा है उसकी जो फेयर वैल्यू है उसी को कंसीडर करेंगे। अगर उसकी भी थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर आप जो एसेट आपने दिया है उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इस तरह के बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे हैं, बहुत सारे AS 10 में, आप उन क्वेश्चंस को जरूर देखें। इनिशियल मेजरमेंट के बाद पॉइंट नंबर कौन सा था, इनिशियल मेजरमेंट का 7 था, 8 सबसिक्वेंट मेजरमेंट की बात करते हैं। सबसिक्वेंट मेजरमेंट आपको याद होगा कि एंटिटी के पास एक ऑप्शन है कि एंटिटी उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पर भी दिखा सकती है, ए
रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल पर भी दिखा सकती है। ये हमने AS10 में बहुत अच्छी तरह से करे हुए हैं और वो कॉस्ट मॉडल पर भी दिखा सकती है। याद आया आपको? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पर दिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन मॉडल, तो किस वैल्यू पे दिखाऊंगा? एसेट इज कैरीड एट रिवैल्यूड अमाउंट बीइंग द फेयर वैल्यू बीइंग द फेयर वैल्यू, तो हम उसको फेयर वैल्यू पर कैरी करेंगे एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लेस, और उसमें से माइनस करेंगे लेस सब्सिक्वेंट डेप्रिशिएशन एंड एनी इंपेयरमेंट लॉसेस। ये सब चीजें हमने AS10 में बहुत अच्छी तरह से करी है, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं। और अगर मैं कॉस्ट मॉडल पर करता हूं तो कॉस्ट मॉडल, उसमें आप क्या करेंगे? कॉस्ट मॉडल एसेट इज कैरीड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस। तो दोनों मॉडल्स में हम इस तरीके से दिखाते हैं। हालांकि मुझे लिखाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैंने लिखा दिया यहां पर 9th। मैंने रिवैल्यूएशन के बारे में बताया था कि रिवैल्यूएशन शुड बी कैरीड आउट रेगुलरली। ये सब चीजें हमने AS10 में भी करी और नोट्स भी लिखे। रिवैल्यूएशन रेगुलर बेस पर होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है। रेगुलरली ब्रैकेट में लिखा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट शुड नॉट डिफर मटीरियली फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट। तो रेगुलर रिवैल्यूएशन का कारण यही है कि जो कैरिंग अमाउंट है हमारे एसेट का, वो उसके फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां तक हो सके डिफरेंट ही नहीं होना चाहिए। रिवैल्यूएशन के बारे में फिर मैंने ये बताया कि रिवैल्यूएशन की जो फ्रीक्वेंसी है,
डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ आइटम्स मेजर्ड तो कोशिश ही होनी चाहिए कि ऐसे आइटम जिनकी फेयर वैल्यू बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होती है, तो उनकी थोड़ा जल्दी रिवैल्युएशन होनी चाहिए, और जो कि थोड़ा स्टेबल रहती है उनकी 3 या 5 साल में रिवैल्युएशन होनी चाहिए। फिर इफ एन आइटम इज रिवैल्यूड कॉमा द एंटायर क्लास ऑफ एसेट टू विच इट बिलोंग्स शुड बी रिवैल्यूड। तो सिंपल वर्ड्स में केवल सिंगल आइटम का रिवैल्यूएशन नहीं होगा, जिस क्लास ऑफ एसेट को, प्लांट को, बिल्डिंग को वो बिलोंग करता है, वो पूरी क्लास रिवैल्यू होगी। और एक पॉइंट मुझे ये लिखाना है, रिवैल्यूड एसेट आर डेप्रिशिएटेड द सेम वे एज अंडर कॉस्ट मॉडल। तो रिवैल्यूड एसेट का एसेट को भी उसी तरह से डेप्रिशिएट करेंगे जैसे हम एसेट को कॉस्ट मॉडल में करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि इंडिया 16 में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ AS10 है, उसी को बेसिकली हम एक तरीके से दोहरा रहे हैं। यूं कह लो कि हम रिकैप कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन के बारे में इसका जो ट्रीटमेंट है अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में करेंगे।